हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो काफ़ी नर्वस हूँ मैं अभी और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो मेरे को तो अभी याद नहीं आ रहा है क्या बोलना है कैमरा में देख के। हालांकि मैंने प्रैक्टिस किया है, बट अभी इतना नर्वस हूँ मैं कि कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ना आपने मेरे को कभी देखा है, ना मैंने आपको कभी देखा है, तो वी आर स्ट्रेंजर्स, राइट? तो हम कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। तो सभी का डिफरेंट रीज़न होता है यूट्यूब पे आने का। मेरा भी एक रीज़न है, मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अभी हम सब अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो सभी का डिफरेंट पैशन होता है। किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को गेमिंग पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है। वैसे मेरे को जिम जाना पसंद है, तो मैंने 6 मंथ्स पहले जिम ज्वाइन किया था और तभी मेरे को उतना नॉलेज नहीं था कि होता क्या है। मेरे को लगता था जिम जाओ, वेट लिफ्ट करो और हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी ग्रो कर जाएगा, मसल आ जाएगी बॉडी में। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगा कि बिगिनर्स लेवल के बाद जब आप एक लेवल ऊपर जाते हो या इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो, तो बॉडी को पुश करने के लिए आपको डाइट मेंटेन करना पड़ता है, आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। तो नेचुरल सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन, BCAA, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, ये सब ज़रूरी है बॉडी को देने के लिए। तो मैंने भी एक डाइट चार्ट ले लिया और सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, BCAA। तो मैं खुद से कुछ अर्न नहीं करता, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जो अर्निंग मेम्बर है मेरे फैमिली पे, मेरे पापा, मेरे को उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हालांकि मेरे पापा ने कभी मेरे से कंप्लेन नहीं किया कि मैं तुमको ला के नहीं दे सकता, पर फिर भी मेरे को लगता है कि शायद मैं एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ उनके ऊपर, क्योंकि ये जो खर्चा है वो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। जितना मैं लेवल अप कर रहा हूँ जिम में, उतना ही ये खर्चा इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि शौक मेरा अपना है, जिम में खुद जाता हूँ, तो इसका जो खर्चा है वो भी मेरे को खुद ही अफोर्ड करना चाहिए। तो YouTube मेरे को एज़ अ ऑप्शन दिखा, एज अ वे दिखा, जिससे मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ। मेरे को पता है कि डे वन से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, डे वन से आप अर्न नहीं कर पाओगे, बट डे वन से आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। और एक्सपीरियंस ही तो है जो इंसान को सक्सेस के पास लेके जाता है। तो जितना आप एक्सपीरियंस गैदर करोगे, उतना आप ग्रो करोगे, उतना आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। तो मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं मैंने, डिफरेंट टाइप्स के वीडियो। तो लेकिन मेरे को वो जो व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है वो मेरे को पसंद आया, क्योंकि उसमें नहीं कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, नहीं आपको एक्ट करना होता है, नहीं कैमरा लगता है। तो आप एक मिनिमल बजट में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे फ़ोन तो अभी सभी के पास होता है, तो आप फ़ोन से और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो आप, मेरे को लगता है, ब्लॉगिंग कर सकते हो। और मैं भी फ़िलहाल अभी फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई कैमरा नहीं है और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है कैमरा पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी मेरे को फ़ोन से ही चलाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो दिल से, तो पहले आपको उस चीज़ को अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। तो एक बार जो आपने उस चीज़ को ड्रीम बना लिया, फिर आप खुद से ही हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दोगे उसे अचीव करने के लिए, फिर आप कंसिस्टेंट हो जाओगे उस चीज़ के लिए। और जब आप कंसिस्टेंटली वो हार्डवर्क करोगे, तो एक ना एक दिन उस चीज़ को आप अचीव कर ही लोगे। तो जब एक यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है फर्स्ट टाइम, तो वो एक वॉइड की तरह होता है, वॉइड समझते हो, एक एम्प्टी स्पेस जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वो एग्जिस्ट तो करता है उस प्लेटफॉर्म पे, पर उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उससे कोई पहचानता नहीं है। तो एक यूट्यूबर के लिए उसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी जो होता है वो उसका सब्सक्राइबर होता है।
विदाउट सब्सक्राइबर यूट्यूबर का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो एक फैमिली की तरह होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, एक सपोर्ट होता है जो एक यूट्यूबर फील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक यूट्यूबर अपने सभी सब्सक्राइबर्स को जानता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस उन लोगों को फील कर सकता है कि हाँ, एक मेंटल सपोर्ट, एक सपोर्ट जो उसे मिलता है, जो प्यार उसे मिलता है, वो उसके लिए एक स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिव पॉइंट है जो उसे कॉन्फिडेंस देता है, जो उसे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं अपना वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।